ओबिटो उचिहा द मैन द लीजेंड द हीरो द फ्रेंड द फो द सेवियर द लवर द विलेन ओप्स माय बैड आई मीन टू से द ब्रोकन विलेन ट्राइंग टू चेंज द होल वर्ल्ड। देवी और सज्जनों, ओबिटो उचिहा बॉर्न इन कोनोहा विलेज, ब्रॉट अप बाय दादी अम्मा। बचपन से ही माँ बाप का प्यार नहीं मिला, वो केयर वो दुलार नहीं मिला, वो माँ के हाथों का खाना पिता की दाद नहीं मिली। ही लिव्ड अ सोरोफुल एंड लोनली लाइफ फुल ऑफ मिजरी, बट ओबिटो कभी भी किसी और को तकलीफ में नहीं देख सकता था, और यही रीजन था कि ओबिटो होकागे बनना चाहता था, ताकि वो इस अकेलेपन से बाहर निकल सके एंड हिडन लिफ की जनता उसे वो सम्मान दे सके जो वो सोचता था कि वो डिजर्व करता है। एंड टू डू सो ओबिटो गाँव के हर दूसरे बच्चे की तरह एकेडमी को ज्वाइन कर लेता है, जहाँ ओबिटो को उसकी वन एंड ओनली लव रिन मिलती है, इसी के साथ उसका पहला राइवल कम फ्रेंड ककासी हटा के। वेल, तीनों के प्यार, दोस्ती और दुश्मनी के बीचों बीच तीनों ग्रेजुएट हो गए, एंड भगवान की कृपा बोलो या किस्मत का लिखा, ये तीनों ही टीम 7 के मेंबर बनते हैं, जिसके कैप्टन थे अपने मिनाटो नामिकाजे। वेल, जस्ट लाइक ककासी हटा के, मिनाटो ने भी अपने तीनों स्टूडेंट का बेल टेस्ट लिया था, जहाँ ककासी और रिन एक टीम की तरह एक्ट करते हुए इस टेस्ट को पास कर लेते हैं, मगर अपना ओबिटो इस बात को लेट से समझता है। तीनों के बीच दोस्ती और प्यार हर एक नए मिशन के साथ बढ़ रही थी। थर्ड स्नोवी वार का समय था एंड एक गेनिन को भी फ्रंट लाइन पर लड़ना पड़ता था, एंड उस समय का चुनिंग एग्जाम अभी से भी ज्यादा ब्रूटल था, जहाँ टीम 7 साथ में चुनिंग एग्जाम तो देती है, मगर जिसके थर्ड राउंड में हमारे माइट गाई ने एक नॉकआउट पंच से ओबिटो को हरा दिया, बट फाइनल्स में ककासी, जो स्टार से क्लास का टॉप बच्चा था, उसने माइट गाई को उसी के गेम में हराया, आई मीन टाइजुत्सु में उसे हरा दिया। टोबी को अपने हार से ज्यादा ककासी के चुनिंग बनने का दुख था, मगर ये दुख हमारे हीरो को उसके मिशन से भटकने नहीं देता। तो हर बार हारने के बाद एक बार फिर से वापस आता है और ज्यादा ताकत से, जिसके बाद अपना हीरो चुनिन बनता है, मगर ओबिटो इसकी खुशी रिन से शेयर करता उसके पहले ही ककासी जोनिन बन जाता है, एंड ओबिटो की कामयाबी ककासी की कामयाबियों के बोझ तले दबी रह जाती है। फिर यहाँ से हम एक बात सीख सकते हैं, जो बात हमारे आसिफ भाई अगर अप्लाई करते तो पिछले हफ्ते उनका दिल ना टूटा होता। आई मीन टू से, जो बात दिल में हो, जिसे तुम बोलना चाहते हो, उसे उसी समय बोल दो, नहीं तो कब तुम्हारी वाली को कोई सामने वाला उठा कर लेके चला जाएगा एंड तुम कुछ कर नहीं पाओगे। खैर, बैक टू टॉपिक, ककासी के जोनिन बनने के बाद टीम 7 का पहला मिशन, जहां टीम 7 को कनाबी ब्रिज को डिस्ट्रॉय करना था एज अ वार टैक्टिक्स, बट अनफॉर्चुनेटली थिंग्स गेट अ हेल लॉट ऑफ वर्स देन एनीवन एवर थॉट ऑफ। जारिन कैप्चर हो जाती है, ककासी और ओबिटो में एक हीटेड आर्गुमेंट होता है, जहां टोबी व्हाइट फैंग ऑफ लीफ के करेजियस माइंड एंड हार्ट की काफी तारीफ करता है, ताकि वो ककासी को बता सके कि मिशन ज्यादा कई बार तुम्हारे कॉम्रेड को बचाना जरूरी होता है। एंड बोथ दी फ्रेंड्स पार्ट देयर ओन वे, ककासी वेंट टू कम्प्लीट दी मिशन एंड अपना हीरो ओबिटो वेंट टू सेव दी गर्ल ही लव्स दी मोस्ट। ओबिटो केव के बाहर तो पहुंच गया, जहां रिन को बांध के रखा गया था, बट ओबिटो बीइंग ओबिटो वो केयरलेसली उस केव के ओपनिंग की तरफ दौड़ता है, जहां ओबिटो पे ताइसेकी ऑफ हिडन रॉक विलेज अटैक कर देता है। वेल, इसकी कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि अपना कॉपी निंजा ओबिटो को बचाने आ जाता है, जहां ककासी ओबिटो को बचाने के प्रोसेस में अपनी राइट आई को खो देता है, एंड दिस इज द मोमेंट वेयर एवरी फैन क्राइड बिकॉज वी एंटीसिपेटेड व्हाट्स गोना हैपन नेक्स्ट। ओबिटो फ्यूरियस हो चुका था, क्योंकि उसने अपने दोस्त को अपने आंखों के सामने तड़पते हुए देखा, एंड इस दुख की घड़ी में हर उचिहा की तरह ओबिटो के भी सारिंगन एक्टिवेट हो जाते हैं, एंड ओबिटो टासिकी की लिटरल सेंस में मार लेता है। इसके बाद दोनों भाई मिलके रिन को बचाने उस केव के अंदर जाते हैं, जहाँ रिन को वो बचा तो लेते हैं, मगर काको, जिसने रिन को पकड़ के रखा था उस गुफा के अंदर, वो उस गुफा को गिरा देता है। टीम 7 वहां से बच के निकलने की तो कोशिश करती है, मगर ककासी पहले से ही काफी ज्यादा इंजर्ड था, एंड उस केओटिक माहौल में उसके ब्लाइंड स्पॉट पे एक चोट लगती है, जिसके कारण वो वहीं पे गिर जाता है, एंड ओबिटो अपने दोस्त को बचाते हुए एक बड़े पत्थर के नीचे आके कुचला जाता है, जिसके बाद ओबिटो की राइट साइड ऑफ द बॉडी एक पत्थर नीचे दब जाती है एंड ओबिटो ऑलमोस्ट मरने वाला होता है। बट उस अंतिम घड़ी में भी ओबिटो ककासी के लिए कुछ अच्छा सोचते हुए बोलता है कि तुम मेरी लेफ्ट आई ले लो, क्योंकि मैंने मिनाटो सेंसेई, रिन या बाकी दोस्तों की तरह तुम्हें कोई तोहफा नहीं दिया तुम्हारे जोनिन बनने पे, एंड इट्स द पार्टिंग गिफ्ट फ्रॉम मी फॉर यू। रिन एंड ककासी उस मोमेंट पे काफी ज्यादा रो रहे थे, लेकिन वो जानते थे अगर उन्हें ओबिटो की आखिरी इच्छा पूरी करनी है तो उन्हें ओबिटो की आंख निकाल के ककासी में लगानी होगी। सारिंगन मिलते ही ककासी अपने दोस्त का बदला लेता है, मगर परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि उन्हें ओबिटो को उसी पत्थर के नीचे छोड़ के जाना पड़ता है, जिसके बाद ओबिटो का नाम विलेज के मेमोरियल स्टोन पर लिखा जाता है, एंड कुसीना से लेके गांव के कई लोग ओबिटो जैसा बच्चा चाहते थे, जो चीयरफुल हो, गुफी हो, मगर साथ ही केयरिंग, लविंग एंड इमोशनल भी। मगर भैया जी, ये कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती, यहाँ गांव में उसकी दादी अम्मा उसके दोस्त उसके मौत का मातम मना रहे होते हैं, एंड वो वहाँ पे माद्रा के हाइडिंग प्लेस पे जिंदा
बचा हुआ पड़ा था। ओबिटो को व्हाइट जेत्सु ने बचा लिया था बाय द ऑर्डर ऑफ मांडरा उचिया। वेल ओबिटो कई दिनों तक नियर डेथ स्टेट में था। वो रिकवर कर रहा था बट बहुत स्लोली, क्योंकि उसके बॉडी में हाशिरामा सेंजू के कल्टिवेटेड सेल को लगाया गया था जो उसकी बॉडी को पूरी तरीके से पेड़ का बना रही थी। एंड उस माउंटेन ग्रेवयार्ड में मांडरा उचिया ओबिटो को निंजा वर्ल्ड की रियलिटी बताता था, जिस रियलिटी से ओबिटो कभी भी एग्री नहीं करता। बट अनफॉर्चुनेटली ओबिटो को एक दिन व्हाइट जेत्सु बताता है कि काकाशी एंड रिन को किरिगाकुरे निंजा मारने वाले हैं, जहाँ पे ओबिटो अपनी लिमिट्स को पुश करता है, जस्ट हाउ कैप्टन यामी यूज्ड टू से, बट ओबिटो वाज टू स्लो टू सेव द लव ऑफ हिज लाइफ। एंड ओबिटो ने कुछ ऐसा देखा जो उसे कभी भी देखना नहीं चाहिए था। एंड रिन के डेथ के बाद सब कुछ बदल गया, जहाँ काकाशी एंड ओबिटो ने मांगेक्यू सारिंगन को एक्टिवेट कर लिया। एंड ओबिटो ने रिन के खून का बदला खून चुनते हुए किरिगाकुरे निंजास को मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद ओबिटो रिन के बेजबान शरीर को अपने हाथों में लेकर बैठा रहा जब तक उसके अंदर का इंसान मर नहीं गया, और ओबिटो अंदर ही अंदर से मांडरा की बातों पे विश्वास करने लगा। ओबिटो, जिसने माउंटेन ग्रेवयार्ड को छोड़ने के पहले मांडरा से बोला था कि वो वहां कभी नहीं लौटेगा, पर वो वहां वापस गया ताकि मांडरा टीम 7 को फिर से एक साथ ला सके। एंड वो एक ऐसी रियलिटी बनाने पे लग गया जहां कोई लड़ाइयां नहीं, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं। एंड ओबिटो अब मांडरा के चेहरे के साथ जीने लगा था। अब ओबिटो शैडोज में रहते हुए मांडरा के प्लान्स को एग्जीक्यूट कर रहा है, जिसका फर्स्ट स्टेप था अमेगाकुरे विलेज में जाके अकासुकी को अप्रोच करना, जहाँ टोबी को सिर्फ नागाटो से मतलब था, मगर याहिको जो अकासुकी का ओरिजिनल फाउंडर था और नागाटो का बेस्ट फ्रेंड, वो ओबिटो के प्लान्स एंड आइडियोलॉजी से एग्री नहीं करता था। वेल, अगर आपको अकासुकी की हिस्ट्री जानी है, याहिको, नागाटो एंड कोनान की दोस्ती के बारे में जानना, तो मैं आपको ये वाला वीडियो सजेस्ट करूंगा। वेल, ओबिटो के माने तो याहिको अपने अकासुकी मेंबर से सामने तो ओबिटो को अकासुकी का मेंबर नहीं मानता, लेकिन वो अकेले में ओबिटो की बातों से एग्री करता था। बट जैसे ही ओबिटो को हांजो एंड डांजो के अलायंस का पता चलता है, एंड ये पता चलता है कि याहिको उनसे मिलने जा रहा है, तो वो बाकी बचे जितने भी अकासुकी के मेंबर थे उन्हें मार देता है बिफोर दे कैन रेस्क्यू याहिको एंड नागाटो। एंड उधर हांजो ने याहिको को एक ऐसे सिचुएशन में डाल दिया जहां याहिको को मरना पड़ता है ताकि वो अपने प्यार को बचा सके, जिसके बाद हमें नागाटो का असली रूप, असली गुस्सा, असली पेन, असली रिवेंज देखने को मिलता है। खैर, इस पूरे इवेंट के बाद ओबिटो नागाटो को पूरी तरीके से इन्फ्लुएंस कर लेता है उसका साथ देने के लिए, ताकि वो इनफिनाइट सुकोयोमी को एक्टिवेट कर सके। एंड द रियल मिशन बिगिन, जहां अकासुकी अंडर द शैडो कंट्रोल ऑफ ओबिटो कैप्चर डिटेल्ड बीस्ट। साथ ही ओबिटो ने फोर्थ मिजुकागे या गुरा काराटाची को कंट्रोल कर लिया था। एंड जिसको नहीं पता कि ओबिटो ने इन्हें क्यों कंट्रोल किया, तो मैं उन्हें बता दूं, इनका प्लान था रिन की बॉडी में थ्री टेल्ड बीस्ट को डाल के कोनोहा विलेज में अनलिश करने का, जिसके चक्कर में रिन मारी जाती। अगर इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया होता तो आज रिन जिंदा होती एंड हमारा ओबिटो टोबी ना बना होता। एंड नारुतो के बद के पहले ओबिटो रिन के ग्रेवयार्ड पे गया था, जहां उसे कुसीना उजुमाकी के प्रेगनेंसी का पता चलता है। एंड ओबिटो को यह भी पता था कि कुसीना ही नाइन टेल बीस्ट की जिंजूरी की है, जो अपने बिगेस्ट फॉर्म में होगी चाइल्ड बर्थ के दौरान। ओबिटो वाज रेडी टू किल कुसीना एंड मिनाटो नामी काजे, क्योंकि उसके अंदर एक ग्रज था मिनाटो को लेकर, क्योंकि जब भी टीम 7 को मिनाटो की जरूरत थी मिनाटो वहां मौजूद नहीं था। सो ओबिटो ट्रैक्ड कुसीना एंड अनलिस्ट नाइन टेल बीस्ट, मगर उसका ये प्लान मिनाटो ने डिस्ट्रॉय कर दिया बाय सीलिंग येन हाफ ऑफ नाइन टेल चक्र इन नारुतो उजुमाकी। बट इस पूरे अटैक में कुसीना, मिनाटो एंड थर्ड लॉर्ड होकागे की धर्मपत्नी भी मारी जाती है। टोबी के इस फेलियर के एक साल बाद उसने फिर से फैसला किया कोनोहा विलेज पे अटैक करने का, जहां उसने इस बार फ्यूडल लॉर्ड के कन्वे पे अटैक किया, जिस अटैक में इटाची का टीम में टेनमा इजुमे मारा जाता है, जिसके बाद इटाची में 8 साल की उम्र में सारिंगन की पावर को महसूस करता है। खैर, ओबिटो का इरादा था वहां मौजूद सारे शिनोबीज एंड फ्यूडल लॉर्ड के कन्वे को मारने का, मगर उसने काकाशी का प्रेजेंस महसूस करते हुए वहां से रिट्रीट करने का सोचा, क्योंकि वो काकाशी को नहीं मारना चाहता था। वेल, इस इंसिडेंट के कई सालों बाद टोबी कोनोहा विलेज में वापस आता है, जब उसे कुडेटा के बारे में पता चलता है, ताकि वो इस इनर कॉन्फ्लिक्ट के आग में घी का काम कर सके। बट उसकी मुलाकात इटाची से होती है, जो पूरे उचिहा नस्ल को ही तबाह करना चाहता था। एंड इटाची टोबी से मदद मांगता है ताकि वो उचिहा क्लैन को पूरी तरह से खत्म कर सके, जिसके बाद इटाची अकासुकी को ज्वाइन कर लेता है। वेल, ओबिटो कभी भी अकासुकी का ऑफिशियल मेंबर तो नहीं था, मगर ही वाज द वन स्टेइंग इन द शैडोज बट स्टिल कंट्रोलिंग एंड मैनिपुलेटिंग ईच एंड एवरी मूव्स ऑफ अकासुकी। बट सून आफ्टर सासुरी डेथ ओबिटो ऑफिशियली अकासुकी को ज्वाइन कर लेता है एंड डियोडोरा के साथ टू मैन टीम बनाता है। दोनों मिलकर थ्री टेल्ड बीस्ट को कैप्चर करते हैं एंड डियोडोरा ट्रीटेड टोबी एज सम लो लाइफ विलेन विद अ बेटर ह्यूमर बट नो एक्चुअल बैटल एक्सपीरियंस, जो बात बिल्कुल पूरी तरीके से गलत थी। वेल, फोर टेल्ड बीस्ट एक्सट्रैक्शन के टाइम अकासुकी को पता चलता है कि ओरोचिमारु मर चुका है, जिसको मारा है सासुके उचिहा ने, जिसको सुनने के बाद डियोडोरा काफी ज्यादा नाराज होता है, क्योंकि इस बंदे को पर्सनल खुंदस थी ओरोचिमारु से। सो डियोडोरा ओबिटो के साथ मिलकर सासुके को मारने
करने जाता है, जहाँ टोबी एज अ डिस्ट्रैक्शन एक्ट करते हुए सास्के के इनिशियल अटैक से मरने की एक्टिंग करता है। बट थोड़ी ही देर बाद देदारा अपने अटैक से सास्के को सरप्राइज करने की कोशिश करता है, जहाँ ओबिटो सास्के को शाबाशी देते हुए बोलता है कि भाई बंदे तेरी स्पीड काफी ज्यादा लाजवाब है। सास्के वर्सेस देदारा के फाइट के एंड में देदारा अपना मोस्ट डेडलीस्ट अटैक को अटैक इस्तेमाल करता है, जो एक सुसाइडल तरीके का अटैक है, जहाँ किलोमीटर के रेडियस में अनलिमिटेड बम ब्लास्ट होते हैं एक साथ, जस्ट लाइक एटम बम। एंड इस केओटिक बैटल के बाद टोबी नागाटो एंड कोनान से मिलने जाता है, जहां वो अपनी इच्छा व्यतीत करता है सास्के को अकासुकी में लाने की, ताकि वो सास्के को मैनिपुलेट कर सके कोना विलेज को तबाह करने के लिए। एंड कुछ समय के बाद द मोस्ट अवेटेड बैटल बिटवीन द ब्रदर्स बिगिन, जहां ओबिटो एज अ डिकॉय एक्ट करता है एंड नारुतो एंड उसके दोस्तों को डिस्ट्रैक्ट करता है, ताकि दोनों भाइयों के बीच लड़ाई कंप्लीट हो सके और उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। वेल, इन दोनों भाइयों के लड़ाई के बाद ओबिटो डिस्गाइज एज मादरा सास्के को इटाची की सच्चाई बताते हुए उसे कोनोहा विलेज के खिलाफ कर देता है। एंड सून आफ्टर इटाची डेथ द मोस्ट डेडलीस्ट अटैक बिगिन। फील पेन, एक्सेप्ट पेन एंड नो पेन। दोज हु डू नॉट नो पेन विल नेवर अंडरस्टैंड ट्रू पीस। जिस अटैक में ओबिटो एक स्पेक्टेटर का रोल प्ले करता है, बट सून आफ्टर द पेन असॉल्ट टोबी वेंट टू कोनान, ताकि वो नागाटो की बॉडी से रेनेगन रिट्रीव कर सके, जो मादरा ने उसे दिया था। जिसके बाद ओबिटो सास्के एंड सास्के की पूरी टीम फाइव कागे सबमिट में जाती है, वहाँ लड़ाई करती है, वहाँ गंद मचाती है, क्योंकि The fourth great ninja war begins now. And well, आगे चल के फोर्थ शिनोबी वार में टोबी वाज द मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर थाउजेंड्स ऑफ शिनोबीज अलोन। बिट्रेड मादरा उचिहा, क्योंकि वो उसके प्लान से एग्री करता था, मगर इस बात से नहीं एग्री करता था कि ये प्लान मादरा के थ्रू सक्सेसफुल हो। मगर जब उसे नारुतो की पर्सनालिटी का पता चला और जब उसे ये मालूम पड़ा कि इस दुनिया में उसी के तरह सोचने वाला एक बच्चा है जो होकागे बनना चाहता है, जिसके बचपन में उसके माँ बाप उसके साथ नहीं थे, उसे भी लोगों का प्यार नहीं मिला, वो केयर, वो दुलार जो वो डिजर्व करता था वो सारी चीजें उसे नहीं मिली, एंड उन सब चीजों को पाने के लिए वो बच्चा अपने लिमिट्स को पुश कर रहा है। एंड इस लड़के को देख के ओबिटो का हृदय परिवर्तन हुआ। अपने गलतियों को सुधारते हुए ओबिटो अपने बेस्ट फ्रेंड एंड अपने छोटे भाई नारुतो को कागुया से बचाते हुए मारा गया, मगर मरने के बाद भी ओबिटो का सोल इस ह्यूमन वर्ल्ड में रहता है, ताकि वो काकाशी की मदद कर सके और अपनी गलतियों को सुधार सके। ओबिटो की ये कहानी उसकी गलती में पर्दा नहीं डालती या फिर उसे जस्टिफाई नहीं करती ये बोल के कि भाई उसका पास्ट सही नहीं था जिसके कारण ये एक विलन बना, बल्कि एक जरिया है ये बात समझने का कि गलतियां सबसे होती हैं, मगर लोग उन्हें ही पसंद करते हैं जो अपनी गलतियों को कबूल करके उन्हें सुधारने की कोशिश करते हों।